हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल प्रीति ब्यूटी स्टेशन और कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स आज इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ उसके काफ़ी चर्चे हैं मार्केट में और आप भी जानना चाहते होंगे कि ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैंने इसे मंगा लिया है और मैं बताऊँगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है तो ये है मे अप टू थर्टी आवर्स ल्यूमी फाउंडेशन है ल्यूमी मैट फाउंडेशन है विथ एस पी ये मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगाया है 850 में ये मुझे मिला है और मेरा जो शेड है वो है 120 अब देख सकते हैं यहाँ पे 120 पैकेजिंग की बात कर लो तो यहाँ पे पर्पल कलर का ढक्कन है पंप में ये आता है यहाँ पे थोड़ा सा मैस हो जाता है क्योंकि ये जो है बहुत ही थिन फॉर्मूला है बहुत ही लिक्विडी है तो यहाँ पर निकालने में थोड़ा सा यहाँ पे जो है ढक्कन वगैरह पे भी लग जाता है और ऐसे भी तो सबसे पहले शेड आप कैसे सिलेक्ट करेंगे ये टोटल टेन शेड में जो है लॉन्च हुआ है और लिमिटेड शेड है तो मैंने जो है ऑनलाइन इसे परचेज किया है और मैंने इस तरीके से इसे ऑर्डर किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेबिलिन के दोनों फाउंडेशन पहले की भी हैं सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन और फिटमी का भी और इन दोनों में ही मेरा शेड जो है 120 आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 और इसमें भी जो है क्लासिक आइवरी ही मेरा शेड है तो इसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसमें भी चूज किया और इसमें भी मैंने वन ट्वेंटी ही मंगाया है तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पर भी ये फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर रखा है ठीक है पहले मैं इन तीनों के बारे में बात कर देती हूँ तो प्राइस वगैरह तो आप जानते ही हैं कि कैसे कैसे ये दोनों मिलते थे और ये एट हंड्रेड फिफ्टी का है तो ये महंगा है सेवन फिफ्टी का है ये वाला सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन और जो फिटमी फाउंडेशन है वो तो और सस्ता था 549 का और ये जो फाउंडेशन नया इन्होंने लॉन्च किया है ल्यूमे मैट फाउंडेशन इसकी जो प्राइस है वो है आई थिंक वेल बिफोर यू 899 तो सबसे महंगा फाउंडेशन ये है और इन तीनों का जो है शेड आप देख सकेंगे यहाँ पे मैंने हाथों पे स्वाच किया है तो ये तीनों ही सिमिलर शेड के हैं और तीनों ही जो है ऑक्सीडाइज होते हैं जो कि ये दो फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज होते हैं और ये भी आधे घंटे के अंदर ही ऑक्सीडाइज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे तो उस तरीके से आप शेड चूज़ कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइज होता है तो आप जैसे भी इसके अकॉर्डिंग अपना शेड चूज़ करना चाहते हैं तो एक शेड लाइटर आप चूज़ कर सकते हैं बाकी मैंने तो इन्हीं के अकॉर्डिंग वन ट्वेंटी ही सिलेक्ट किया है तो मेरे फेस पे आप देख सकते हैं अभी और मैंने कोई पाउडर वगैरह अप्लाई नहीं किया है अपने मेकअप पे सिर्फ फाउंडेशन लगाया है और मेरा पूरा फेस जो है पाउडर से सेट भी नहीं किया है मैंने बात करते हैं इस फाउंडेशन के बारे में तो इसका जो लिक्विडी फार्मूला है काफ़ी थिन है कंपैरेटिव इन दोनों फाउंडेशन से काफ़ी थिन है ये और आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगता है मैट uh, फिनिश देता है ये आपको और लाइट uh, वेट इतना लगता है कि आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फेस पर फाउंडेशन भी है मतलब अभी भी मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैंने दो लेयर फाउंडेशन के अप्लाई किए अपने फेस पे इतना ज़्यादा ये लाइट वेट है एयर ब्रश फिनिश बोल रहे हैं तो सही बात है कि बिल्कुल ही क्लियर फिनिशिंग है इसे लगाने के बाद फुल कवरेज ये नहीं है अगर आप एक पंप लगाते हैं तो बहुत ही हल्का सा कवरेज आपको मिलेगा बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलेगी पर अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है दाग धब्बे हैं तो ये उसे हाइड नहीं कर पाएगा सेकंड पंप मैंने लिया तो उसमें भी जो छोटे मोटे पिगमेंटेशन मेरे फेस पे आप देख सकते हैं यहाँ 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 पर जो तिल वगैरह या हल्के हल्के से पिगमेंटेशन होते हैं उसको भी इसने हाइड नहीं किया है एक क्लियर बेस दे देता है पर ये पिगमेंटेशन को बहुत ज़्यादा हाइड नहीं कर रहा तो ये फुल फुल कवरेज तो नहीं है अगर आप इसे बिल्ड भी करते हैं तो पूरा फुल कवरेज आपको नहीं दे पाएगा तो अगर आप फुल कवरेज पसंद करते हैं तो आप इससे दूर रहिए अगर आपको लाइट वेट और हल्का कवरेज चाहिए अगर आपके फेस फ्लॉलेस है बहुत ज्यादा दाग धब्बे नहीं है क्लियर है फेस तो आप इस फाउंडेशन को जरूर ले सकते हैं बहुत ही अच्छा आपको लगेगा बहुत अच्छा ये आपको बेस देता है अब बात करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है मैंने इसे लगा के रखा था पूरे दिन और रात को मैंने इसे रिमूव किया है तो मैं कुछ टाइम के बाद तो भूल भी गई कि मेरे फेस पे फाउंडेशन है और रात को फिर मैंने इसे रिमूव किया क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है तो आप बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं इस फाउंडेशन के साथ और स्पेशली समर टाइम में मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा फाउंडेशन रहेगा अगर आप लाइट वेट फाउंडेशन पसंद करते हैं मेरी तरह तो तो मैंने बहुत ही कम फाउंडेशन लगाती हूँ बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन मैं नहीं लगाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैट फिनिशिंग ये देता है कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बहुत अच्छे से अपने स्किन को प्रैप करें पहले और उस पर जो है काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करें फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं और ल्यूमी मैट है तो आई थिंक ये अच्छा काम कर जाएगा आपके फेस पे भी आ, बाकी मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप देख सकते हैं बिना सेट किए ये फाउंडेशन इस तरीके का लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मतलब मैट फिनिशिंग भी है और लाइट वेट भी है तो नोज़ के अराउंड वग़ैरह में आप देखेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा क्रैक तो नहीं कर रहा है अभी और अभी डेढ़ दो घंटे ही हुए मुझे इसे अप्लाई किए तो इसे हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हैं बहुत इजीली ये हाथों से भी ब्लेंड हो जाता है बाकी ब्रश से आपको थोड़ा अच्छा कवरेज मिलेगा ब्लेंडर से और ज़्यादा कम कवरेज हो जाता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्रोडक्ट तो अगर ब्लेंडर से आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा और कम कवरेज होगा बाकी ब्रश से आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा आपको ज़्यादा कवरेज मिलेगा और हाथों से अप्लाई करते हैं तो और अच्छा कवरेज आपको मिलेगा मैंने इसे हाथों से भी अप्लाई करके देखा हुआ है और काफ़ी अच्छे से ये इजीली बीबीसी सी क्रीम की तरह आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ये अप्लाई हो जाता है अच्छे से तो रेगुलर यूज़ के लिए अगर आप मतलब एक अच्छा लुक चाहते हैं डेली भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप थोड़ा लाइट वेट मेकअप चाहते हैं तो ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा काम करेगा अगर आप ब्राइडल लुक चाहते हैं बहुत हाई कवरेज चाहते हैं तो ये फाउंडेशन आपके लिए काम नहीं करेगा अगर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे या पिगमेंटेशन आपके फेस पर है तो यही है कि ये वाटर प्रूफ है तो हाँ ये वाटर प्रूफ है क्योंकि मैंने इसे हाथों पे स्वॉच किया था और पूरे दिन मैंने रखा था बहुत बार हाथ धोने के बाद भी ये फाउंडेशन जो है इस तरीके से मेरे हाथ पे था और फेस पर भी जो है Uh, मैंने अभी इसके ऊपर रोज़ वाटर वगैरह अप्लाई किया तो बिल्कुल भी ये अपने प्लेस से हिला नहीं है और बिल्कुल ही वाटर प्रूफ फाउंडेशन है ये थर्ड है कि ये फाउंडेशन जो है आप जब लगाते हो और बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं कि आप मेकअप वेकअप करते हो ब्लश अप्लाई करते हो तो वहाँ से हट जाते हैं इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है आप अपना ब्लश और पूरा मेकअप करोगे ये बिल्कुल अपने प्लेस से हटता नहीं है वहीं रहता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है ये आपकी स्किन में बिल्कुल मर्ज हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा और दो चार पाँच घंटे बाद कि आपके स्किन पे फाउंडेशन भी है पर गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है मतलब अभी पूरे गर्मियों में मैं ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ ये तो पक्का है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है आप इसे बिल्ड भी कर सकते हो थोड़ा बहुत और आप इसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो हल्का अगर अप्लाई करना चाहो तो, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फाउंडेशन और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं और बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना हो या फिर आपको कहीं आ, ऐसे भी यूज़ करना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लाइट वेट फाउंडेशन अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी है पतली है थिन है क्योंकि आपको लाइट वेट फाउंडेशन चाहिए तो ये ऑब्वियस है कि ये मोटा नहीं रहेगा बाकी आई थिंक मैंने सब एक्सप्लेन uh, कर दिया है बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में, में पूछ सकते हैं डेफिनेटली इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हैं अच्छा फाउंडेशन है मुझे काफ़ी पसंद आया और फिलहाल मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ समर टाइम में तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो अगर ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू वेरी मच